सरकार सिर्फ कराची भर ही नहीं बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, मुल्तान जैसे बड़े बड़े शहरों पर भी हुकूमत करते थे। वैसे मैं किसी से मिलता नहीं हूं, मुझे काम था इसलिए मैं आया। सरकार पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, जीत जाओगे। चौधरी तुम तो जानते हो सरकार को पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स को सरकार की जरूरत है। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने जितने ऐसे काम किए सब कानून के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता क्योंकि मैं दिमाग से सोचता हूँ, दिल की नहीं सुनता। अगर तुम पॉलिटिक्स में आते हो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। ये लो एडवांस, पकड़ो अपना माल, ये लो। सरकार बिकता नहीं है, पॉलिटिक्स तो मैं ज्वाइन करूंगा लेकिन अपनी पार्टी से, तुम्हारी पार्टी से नहीं। पछताओगे सरकार, गलत कर रहे हो तुम। हाँ सही है सही है, जाओ। हाँ बेटा असलम, मुझे सरकार या तो जिंदा चाहिए या तो मुर्दा, कितने ही पैसे ले लो। अरे बलोच को फोन तो करूं यार। ये किसका फोन आ रहा है? हाँ चौधरी बोल रहा हूँ। कौन? चौधरी बोल रहा है? हाँ तुमसे मिलना है। आ जाना 12 बजे। कल 12 बजे? हाँ। यार बलोच एक मसला हो गया। चौधरी क्या मसला हो गया? सरकार ने पार्टी में आने से मना कर दिया, अब बलोच तुम ही आखिरी सहारा हो। बेफिक्र हो जाओ चौधरी, मैं तुम्हारे साथ। कल जलसे है, क्या करना है? अब देखते हैं भाई, जाते हैं फिर करवाते हैं। चलो बलोच इजाजत दो।
यहाँ लगा दे छोटे। किधर हो तुम? अरे बलोच। अरे मलक साहब, हम यहाँ जलसा कराना चाहते हैं। आप ही की जगह है जनाब, आप जब जाओ जलसा करवा सकते हैं। अरे बलोच भाई, आप फिक्र न करें यार। देखो मलिक साहब, अगर किसी कमी कुताई हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो मिलते। Good.
यहाँ जलसा करना मुश्किल है। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि यहाँ आवाम बहुत है। तो अब क्या करें? अब वापस जाना पड़ेगा। चलो अशोक, गाड़ी निकालो, गाड़ी आगे लो, चलो। सरकार, आप, अरे आप इधर क्या कर रहे हो? चलो तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, आओ जरा बैठे। अरे आपने आने की तकलीफ क्यों की? मैं खुद चला आता जनाब। आना जरूरी था। मैंने सुना है कि तुमने जगह दी है चौधरी को। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो, चौधरी को जलसे के लिए जगह नहीं दो। मैं चौधरी को जगह नहीं दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो मिलते हैं तुमसे फिर, आओ। अच्छा, हाँ लाला बोलो। हाँ इधर भाई। हाँ सरकार, किधर है भाई? इधर ही खड़ा हूँ। अच्छा चल देखते हैं। राणा तो साला बोल रहा था सरकार यहीं मिलेगा। वो रहा सरकार।
कराची के हल्का पीएस 88 में जिमनी इलेक्शन के मौके पर इस वक्त पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है, वोटों की गिनती जारी। हमारे नुमाइंदे इरशाद संजरानी वहां पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। इरशाद आगाह कीजिएगा, पोलिंग वक्त खत्म हुए, एक घंटा गुजर चुका है, क्या सूरत हाल है नतीजे की? जी, पीएस 88 मलीर कराची में जमीन इंतखाबात का मामला और पोलिंग का अमल जैसे ख़त्म हुआ है और इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन जो सफूरा गोटपुरा गोड पर पोलिंग स्टेशन नंबर 58 पर मौजूद हैं। पोलिंग अमल रुकने के बाद जो है अब गिनती का अमल जो है जारी है। इस वक्त ये एक्सक्लूसिव मनाजर आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। 58 जो पोलिंग स्टेशन है पीएस 88 मलीर का सफूरा गोट के पास, और यहाँ पर जो अब गिनती का अमल जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच, पीटीआई के जान शेर चुनेजो और एमकेएम पाकिस्तान के जो हैं वो उम्मीदवार और टीएलपी के उम्मीदवार के दरमियान जो कांटे का मुकाबला था, और दिन भर आपने देखा कि इलेक्शन का अमल ज़िमनी इंतखाबात जो है उसका अमल जारी था और दोनों पार्टीज पीटीआई और सरकार भी पॉलिटिक्स का मास्टर है। आज की बड़ी खबर, कराची के हल्का पीएस 88 में सरकार सुल्तान हैदर ने बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर दी है। हमारे वो नाज़रीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उन्हें एक बार फिर बताते चले कि कराची के हल्का पीएस 88 में सरकार सुल्तान हैदर ने बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली है। बोला था बलोच तेरे को कि सरकार जीत जाएगा, आज सरकार गया। अरे सरकार को फोन तो करूं। हेलो सरकार, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें बोला था मेरी पार्टी की तरफ से आ जाते लेकिन तुम नहीं, अब तुम्हारी खैर नहीं, बहुत जल्द मारे जाओगे। चौधरी, सरकार को मारना इतना आसान नहीं है। सरकार को कोई ताकत हरा नहीं सकती, अगर हरा सकती है तो वो दिमाग। बस सरकार को कोई ताकत नहीं हरा सकती, हरा सकती है तो बस दिमाग। सरकार को कोई ताकत नहीं हरा सकती, हरा सकती है तो बस दिमाग। अरे दिलावर को मैंने टाइम दिया था, अभी तक आया नहीं, क्या मसला है यार? हम चौधरी हो के उसका वेट करेगा? चौधरी साहब। अरे दिलावर, आओ आओ, कहाँ थे और सुनाओ क्या हाल है? ठीक, चलो बैठो बैठो। किधर थे इतना अरसे? मुझे तुमसे काम पड़ गया यार। तुम्हारा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? मैट्रिक में पढ़ रहा है। मैट्रिक में पढ़ रहा है? चलो दिलावर, कल तुम अपने बच्चे को लेके आना। ठीक है।
कल अपने बच्चों को लेके आना। चलो चलो सही है, बस यही तुमसे मैंने बोलना था। हाँ इकबाल बोलो क्या हुआ? सरकार बालवीर दिलावर नामी आदमी आया हुआ है। कौन? दिलावर? उसको बोलो कल मैं खुद उससे मिलने आऊंगा। मेरा बच्चा गुम हो गया, उसको ढूंढने में आप मेरी मदद करें। तुम्हारा बच्चा कब गुम है? परसों। चलो तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। कब तक? मुझे एक दिन का टाइम दो। एक दिन में खुशखबरी मिल जाएगी हमें। खुशखबरी तो तुम्हें आधे दिन में ही मिल जाएगी। आधे दिन में मिल जाएगी? 12 घंटे के अंदर जी तुम्हारा बेटा जी तुम्हारे घर के अंदर मौजूद होगा। ठीक है जी। और वैसे एक बात बताओ, तुमने वोट तुमने किसको दिया था? सरकार आपको ही दिया था वोट। ये सुनकर अच्छा लगा मुझे जी। तुम्हारा बच्चा कल तुम्हारे घर पे होगा। ठीक है जी। सरकार मुबारक हो, आप इलेक्शन जीत गए। और तुम्हें भी बहुत जल्द मुबारकबाद मैं दूंगा। तुम्हारा बच्चा कल तुम्हारे घर पर। ठीक। तुम्हारा नेकलेस ही तो लेने के लिए मैंने बस एक लोंडा पकड़ा हुआ है, उसके बाप से कुछ रुपए मंगवा लूं, फिर तुम्हारे लिए नेकलेस भी लेके आ जाऊंगा। बस यार थोड़ी देर लगेगी, ये बस बांधा हुआ है, इसको मंगवा लेते हैं अभी जल्दी। बस इसके बाप से कुछ पैसे मंगवा के तुम्हारे लिए नेकलेस लाने। ए छोटू मैं आया थोड़ा। ठीक है भाई, ये लौंडा कहीं भी नहीं भागेगा, आ जाओ आप। सही है। ये लौंडा कहीं भी नहीं भागेगा। यार ये बता तो नहीं बता तो रही नहीं है।
लोंडा तो भाग गया, ये आया था उसका सरकार, इसने नहीं और उसने चौधरी ने हमें सुपारी दी थी, ये वही है सरकार, फोन बजा दिया। सरकार सही किया शाबाश, और लोंडे का पता लगा फटाफट। सरकार कौन है? नेता के लिबास में एक गुंडा।